हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्क एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन सो ट्रांसलेशन में होता क्या है ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आर तो इससे पहले वीडियो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था जो होती है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर फ्रॉम डी तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर एन ए फ्रॉम डी एन ए मीन्स ट्रांसक्रिप्शन वो होती है न्यूक्लियस के अंदर जबकि ट्रांसलेशन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आर एन ए ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज़ और जो ये राइबोसोम्स होते हैं यू कैरिओटिक्स में होते हैं एटी एस एंड प्रो कैरिया में होते हैं सेवन टी एस राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती हैं जैसे प्रोकैरियोट में अगर 70s एस है तो उसके दो सब यूनिट होंगे फिफ्टी एस एंड थर्टी एस थर्टी एस स्मॉल सब यूनिट होगा फिफ्टी एस लार्ज सब यूनिट होगा ओके तो फिफ्टी और थर्टी मिलकर 70s एस बनाते हैं ये राइबोसोम सेवन कैसे बना इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा तो आप वहाँ पे स्वेड वर्ग कॉन्स्टेंट लिख के सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फिफ्टी और थर्टी एस मिलकर सेवन कैसे बनता है एंड यू कैरी में सिक्सटी एस एंड फोर्टी एस दो यूनिट मिलकर एटी एस यूनिट कैसे बनता है अब मैसेंजर आर के जो ये ट्रिपलेट कोड्स आप देख पा रहे हैं ट्रिपलेट कोड होते हैं ये तो जैसे यह यहाँ पे लिखा है ए यू जी तो ये इनिशिएशन कोड होता है मतलब यहाँ से ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ओके okay? तो इन कोर्स को मैसेंजर आर एन ए के कोर्स को हम बोलेंगे अमाइनो एसिड ओके और जो इन अमाइनो एसिड्स को न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में लेके आने का काम करता है टी आर एन ए दैट इज़ ट्रांसफर आर एन ए मैसेंजर आर एन ए कोड है उसको लेके आ रहा है टी आर एन तो टीआरएनए लेके आएगा तो जो आरआरएनए होगा राइबोसोम्स के ऊपर वो प्रोटीन को बनाएगा मैसेंजर आर से सो ए यू जी को हम बोलेंगे इनिशिएशन कोड और इसका कोड का मीनिंग होता है मिथायोनिन जिसको हम सिंबलाइज करते हैं विद एम ई टी ठीक है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम ई टी लिखा हुआ है इनिशिएशन के बिल्कुल नीचे और उसके नीचे है टी आर एन ए और टी आर एन ए के जो बिल्कुल नीचे लिखा है यू ए सी दैट इज द कॉरस्पोंडिंग सीक्वेंस जो जैसे ए यू जी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये ठीक है तो इसको बोलते हैं एंटी कोडोन विच इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ टी आर एन ए सो ट्रांसलेशन का डेफिनेशन क्या हो गया फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय आर एन ए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ट्रांसलेशन तो आर एन ए से प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशन हो गया और इसका साइट है साइटोप्लाज्म एम आर एन ए मॉलिक्यूल अटैच विद राइबोजोम सबसे पहला स्टेप क्या है मैसेंजर आर के जो मॉलिक्यूल है वो राइबोजोम के साथ अटैच होंगे इन्फॉर्मेशन इन द आर एन एज़ डी कोडेड इन टू चेन मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आर एन ए के अंदर होती है उसको डी कोड करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है पॉलीपेप्टाइड का मतलब है के दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिल जब चेन बनेंगे तो उसको पॉली पैप्टाइड बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डी एन एंड अल्टीमेटली इन द आर एन ए गाइड द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉली पैप्टाइड चेन मतलब पॉली पैप्टाइड के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पर लोकेटेड होगा कितनी बड़ी चेन बनेगी क्या उसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होगी दैट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द डी एन एके क्योंकि डी एन ए ही हमारा ब्लू प्रिंट है तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले एम आर एन ए की फॉर्म में आएगी एम आर एन ए से प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की अल्टीमेट जो सीक्वेंस होगी दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन डी एन ए दिस सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड और जेनेटिक कोड की पूरी एक डिक्शनरी है जिसको एच जी खुराना ने डेवलप किया है तो इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर 64 डिफरेंट कोड्स होते हैं उनमें एक कोड इनिशिएशन कोड होता है जिसको हमने बोला ए यू जी दैट इज़ मिथायोनिन एंड तीन कोड उसके अंदर स्टॉप कोड होते हैं ओके okay? और जेनेटिक कोड जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आर एन ए इट्स एंटी कोडोन इज प्रेजेंट ऑन टी आर एन ए फॉर ईच अमाइनो एसिड स्पेसिफिक टी आर एन इज प्रेजेंट मतलब हर अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक टी आर एन ए ही न्यूक्लियस में से साइटोप्लाजम में लेके आता है सो स्पेसिफिक टी आर एन ए पिक्स द अमाइनो एसिड एंड ब्रिंक्स इट टू द मैसेंजर आर एन ए ऑन राइबोजोम अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड बाई द पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉल्ली पेप्टाइड चेन टेक्स प्लेस अब हम करेंगे कितने स्टेप्स इस ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो पहला स्टेप है इन्वॉल्वमेंट ऑफ राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए हैज़ राइबोसोम बाइंडिंग साइट एट विच टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच फॉर्मिंग अ एक्टिव राइबोसोम मतलब मैसेंजर आर जो है उसके ऊपर एक प्रॉपर बाइंडिंग साइट होगा जिसके ऊपर दोनों सब यूनिट राइबोसोम के बाइंड करके एक्टिव राइबोसोम बनाएंगे और इस स्टेप के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है सेकेंड आता है अमाइनो एसिड एक्टिवेशन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच टू थ्री डैश एंड ऑफ द स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल मतलब जो भी अमाइनो एसिड होगा वो थ्री डैश एंड के ऊपर अटैच होगा किसके एंड के ऊपर टी आर एन ए दैट इज ट्रांसफर आर एन ए अटैचमेंट ऑफ टी आर एन ए इज कैटेलाइज बाय द एंजाइम अमाइनो एसाइल टी आर एन ए

टी आर एन ए कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलेंगे ए ए एम पी एंजाइम कॉम्प्लेक्स तो ए एम पी का मतलब होगा यहाँ पे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और जो ए ए है उसका मीनिंग है अमाइनो एसिड ओके तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स एक्टिव राइबोसोम जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है एंटी कोड प्रेजेंट ऑन टी आर एन ए इस टी आर एन ए के ऊपर एंटी कोड प्रेजेंट होगा जो मैसेंजर आर एन ए के ऊपर कोड होगा तो उसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम बोलते हैं एंटी कोड ओके सो द एंटी कोड प्रेजेंट ऑन टी आर एन ए रिकोगनाइज कोड प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आर एन एंड अटैच टू इट अब नेक्स्ट स्टेप आता है इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन तो जैसे ही कोड और एंटी कोड यूनाइट हो गए तो आगे क्या होगा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलवेज बिगन विद मिथायोनिन ये आपको मैंने पहले बता दिया कि ए यू जी से ही पॉलीपेप्टाइड चेन बननी स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं इनिशिएशन कोड और इसका एंटी कोड होगा यू ए सी एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी नेक्स्ट स्टेप आता है चेन इलांगेशन व्हेन कोड इज एट पी साइट दैट इज प्रमोटर साइट ऑफ द राइबोसोम, टी आर एन ए कैरिंग अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड बाइंड विद कोडोन मतलब जैसे ही मैसेंजर आरएनए का कोड साइड के ऊपर होगा राइबोसोम की तो टी आर एन ए उसके ऊपर आके बाइंड करेगा एट द सेम टाइम टी आर एन ए कैरिंग नेक्स्ट अमाइनो एसिड एंटर राइबोसोम एट द ए साइड मतलब दूसरा जो एक और सीक्वेंस में आ रहा होता है टी आर एन ए वो जब तक पहले का प्रोसेस पी साइड वाले का कंप्लीट नहीं होता तो वो ए साइड के ऊपर रहेगा ओके okay? मतलब एक्टिव साइट कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड बाइंड्स विद अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड तो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो गया एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्साइलिक ग्रुप दूसरे का अमाइनो ग्रुप उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड एनर्जी इज एक्सटेंडेड सॉरी एनर्जी इज एक्सपेंडेड डूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड मतलब एनर्जी यहाँ पर यूज होती है एंजाइम पैप्टीडाइल ट्रांसफीरेज कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है नाउ द फर्स्ट टी आर एन ए विच इज ना टी इज रिमूव फ्रॉम द पी साइट ठीक है जिसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है वो रिमूव हो जाएगा और जो नेक्स्ट टी आर एन ए जो के हो जाएगा पुल टू दी साइड फ्रॉम ए साइड जो ए के ऊपर था अब वो पी के ऊपर आ जाएगा तो वैसे ए के ऊपर फिर और नेक्स्ट अमाइनो एसिड जाएगा द रिमूवल ऑफ टी आर एन ए फ्रॉम वन साइड टू अनदर एंड आकुपेशन ऑफ द एम्पटी साइट बाय द नेक्स्ट टी आर एन ए मतलब पी के ऊपर जो ए वाला आएगा उसको बोलते हैं ऑकुपेशन ऑफ साइट क्योंकि पी अब जो है वो खाली हो चुकी थी तो जो ए पे था वो पी के ऊपर आ जाएगा फिर ए के ऊपर और आ जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन आर रिपीटेड ये प्रोसेस दोनों बार बार रिपीट होती हैं तो उसके कारण चेन इलोंगेट होती है इसके लिए इलोंगेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है ठीके? और ये सभी फैक्टर भी प्रोटीन के ही बने होते हैं द न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन लाइज इन द ग्रूव ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो न्यू चेन बनेगी वो लार्ज सब यूनिट के ग्रूव के अंदर मतलब डी पार्ट होता उसको है उसको ग्रूव बोलते हैं तो उसके अंदर ये कलेक्ट uh, होती रहेगी नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेन टर्मिनेशन ऑन मैसेंजर आर एन ए थ्री कोड यू ए एंड यू जी ए आर स्टॉप कोड्स ओके जिसके ऊपर कोई जिसका कोई एंटी कोड नहीं होता ऑन द टी आर एन ए द कोड विदाउट एंटी कोड ऑन टी आर एन ए आर कॉल्ड नॉन सेंस कोड ऑल्सो वेन एनी नॉन सेंस कोड कम एट द ए साइट दैट इज एक्टिव साइट विद नो मैचिंग टी आर एन ए अटैच टू इट एंड पॉली पेप्टाइड चेन इज रिलीज मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी और चेन जितनी बन चुकी है वहीं से कट हो जाएगी अ रिलीज फैक्टर इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ पॉली पेप्टाइड चेन मतलब जो चेन बन चुकी है उसको रिलीज करवाने के लिए भी कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको बोलेंगे रिलीज फैक्टर एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द रिलीज ऑफ पॉली पेप्टाइड चेन मतलब यहाँ भी एनर्जी यूज होती है एंड द एनर्जी रिक्वायर डूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन इज सप्लाइड बाई द हाइड्रोलिस ऑफ ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज जी टी पी सो अब हम बात करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन तो सबसे ऊपर की तरफ आप स्टार्ट करें आप लिखा डी एन ए तो डी एन ए के अंदर वहां पे आप आ, मतलब सेल के के जो देख रहे हैं, और से, से बन रहा है नीचे की तरफ एमआरएनए ओके तो डीएनए से एमआरएनए का बनना उसको हम बोलते है, तो ये जो है, अब आ जाएगा साइटोप्लाज्म में तो सबसे नीचे लिखा है तो ये साइटोप्लाज्म में आएगा मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसलेशन होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है वो न्यूक्लियस में हुई है ओके तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है सबसे पहले देखिए आप मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस दिख रही है आपको जहाँ पे लिखा है कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए तो इसके ऊपर सभी डिफरेंट कोड्स होंगे और हर कोड का एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा टीआरएनए के ऊपर तो टीआरएनए हर अमाइनो एसिड को लेके आएगा राइबोसोम्स के ऊपर ठीक है तो राइबोजोम क्या करेंगे जो एक्टिव राइबोजोम है वो अब इस कोड को मतलब एम आर एन ए के कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट करते जाएंगे ठीक है तो जैसे प्रोटीन बनने आप देख रहे हैं स्टार्ट हुई है तो वहाँ आगे चलकर ये चेन इलॉन्गेट हो रही है और एंड पे यहाँ पे चेन जो है वो फ्रीली रिलीज हो जाती है और जो टी आर एन ए वो भी फ्री हो जाता है और उसके बाद जो ये चेन बनती है इस चेन में से कस्टोमाइज जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती है बॉडी में वो मोडिफाई करके बना ली जाती हैं सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग